लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है ये मिटती मानवता की आशा है। कोई कमजोर दिल का आदमी होता तो वही लुढ़क जाता। ये तो हम थे जो बर्दाश्त कर गए और चाचा को भी संभाला। जब तूफान आया था तो सारे लोग डर गए, लोगों की डर के मारे खिड़की बंद गई। क्या बिजली कड़की थी कर 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 कर। और फिर हवा हेलो, हाँ है, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। बांकू, तुम्हारा फोन। आसमान में इतनी धूल कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सारे पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। धर 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 ऑल इंडिया रेडियो खर 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 खा। और मेरा दिल डर के मारे धक 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 धक। ओ हॉरर शो, क्या है? तुम्हारा फोन। कहाँ से? भूत बंगले से। जब देखो एक ही स्टोरी दोहराते रहते हो, वो भी साउंड इफेक्ट के साथ। लो। अरे ज्यादा बातें मत बनाइए मिस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। आप देखिएगा जब बीबीसी वाले इस टॉपिक पे हमारा इंटरव्यू लेंगे ना, तब आपको लगेगा कि कोनो बहुत बड़ी बात हुई है, वरना अपने देश के लोगों की तो कोई कदर ही नहीं है इस देश में। बहुत बात करने लगे हो, बकवास। अब लो फोन पे बात करो। जी हेलो। हाँ प्रणाम चाचा जी। क्या क्या कह रहे हैं चाचा जी आप? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ? चाचा ने आज बाजार में चाची को देखा था, वो उसके पीछे गए, पर एक मोड़ पे जाके चाची गायब हो गई।
ये मुमकिन नहीं लगता। माना कि चाची की बॉडी गायब हो गई, लेकिन चाची की बॉडी तो तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने पड़ी थी। मैं जब चाचा के यहाँ पहुंचा उसके 4 घंटे के बाद अर्थी चली थी। ये तुम्हारा वहम है। वहम नहीं, भय, डर, दहशत। प्रायः पति नाम का प्राणी पत्नी के विचार मात्र से डर जाता है। मतलब पट्टे को डर है कि बीवी वापस आ जाएगी। हाँ, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन, जो कुछ हमारा मन सोचता है हमारी आंखें वो देखने लगती हैं। लेकिन चाचा इतना नहीं डरते थे चाची से? ऊपर से सभी ऐसा कहते, अंदर की बात कुछ और होती है। पूछ कर देखें, आप डरते हैं? आप डरते हैं? आप डरते हैं ना? और आप पापा मम्मी से डरते हैं ना? थोड़ा शट अप सर, आप कुछ कहिए ना। अरे ये एडिटर महोदय क्या कहेंगे, ये तो आज स्वयं ही अपनी पत्नी से मार खाकर, मेरा मतलब है कि डांट खाकर आए। तुम्हें कैसे पता? गंगाधर, तुम इतने बड़े एक्सपर्ट कब से बन गए पति पत्नी के विषय में? दरअसल इस विषय पर हम एक किताब लिख रहे हैं जिसकी शुरुआत हमारे पिताजी ने करी थी। और पूरी उनके पोते करेंगे। हाँ? सच? शट अप। तो आपके पिताजी ने वो किताब पूरी क्यों नहीं की गंगाधर जी? हाँ, हमारे पिताजी ने किताब शुरू की थी। बीवी से क्या डरना, माताजी ने सख्ती से उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने किताब लिखना छोड़ दिया। धन्य आपका वंश वृक्ष। वैसे गंगाधर जी, आप भी विवाह कर लीजिए, आपका भी लिखना बंद हो जाएगा। परंतु हमारा विवाह होगा कब? मुझे क्या पता, होगा भी या नहीं क्या मालूम। हमारा तो दुर्भाग्य ही खराब है। कब होगी हमारी शादी? ज्योतिषी कहा करते थे, भाखड़ा नांगल बांध बन जाने दो। भाखड़ा नांगल बांध भी बन गया। फिर कहते थे पंचवर्षीय योजना पूरी हो जाने दो, वो भी पूरी हो गई। यहां तक कि परमाणु बम का परीक्षण भी हो गया, फिर भी हमारी शादी नहीं हुई। कब होगी हमारी शादी, कब होगी? शादी की बहुत जल्दी है गंगाधर जी। जी हाँ, नहीं। क्यों, जल्दी नहीं है? हाँ जी हाँ है। है? थैंक यू। नहीं 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 है, हाँ हाँ है। गंगाधर, तुम्हें देख के मुझे लगता है कि तुम चिड़ियाघर से भाग के बाहर कैसे आए? अपनों की याद आ गई थी सर। बांकों की चाची से बात शुरू हुई थी और तुम वो बात को घसीट के बलूचिस्तान तक ले गए। बात अभी बाकी है सर। शट अप, कभी सीरियस भी रहा करो। इस दुनिया में इतने सीरियस लोग हैं सर, तभी तो ये दुनिया ऐसी है। आजकल तो यहां कोई हंसता ही नहीं, न खुद पर न दूसरों पर, और दूसरों को भी हंसता हुआ नहीं देख सकता, न किसी बात पर न अपने आप पर। अब देखिए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। सीरियस होने में कुछ नहीं रखा सर। रखा है, मेरी उम्र में बहुत कुछ रखा है गंगाधर। नहीं रखा सर, सच पूछिए तो उम्र में भी कुछ नहीं रखा। हंसते रहेंगे तो दिल भी जवान रहेगा। जानकारी के लिए धन्यवाद। अब बांके की चाची की बात करें। अवश्य करें, अवश्य करें। उस विषय में तो हम कुछ सोच रहे थे कि बस बस बस, आप सोचिए मत, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो छत गिर जाएगी, शहर के सारे कवे उड़ जाएंगे, राजस्थान में बाढ़ आ जाएगी। आप सोचिए मत, प्लीज हम पर रहम कीजिए। सर, मेरे ख्याल से हमें पूरी इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए। यस, वेट एंड वॉच, हम हेमल को वहां भेजेंगे। नमस्कार, नमस्कार। हाँ तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, आज पूरे धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघलती जा रही है, समंदर का जल स्तर और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और पर्यावरण
दूषित होते जा रहा है, होते जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? ये सोचने की बात है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ ना, आप जरा बताइए। आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, सही है या गलत है बोलो। आपसे पूछ रहा हूँ भाई, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस सब्जेक्ट। जब हम अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं तो जान पड़ता है कि उन दिनों ये शहर इतना गर्म नहीं था। आज तो हालत ये है कि सड़क पर भी ऑमलेट पका लो। आप खुद ही देखिए ना, इस हॉल में कितनी गर्मी लग रही है। यही मेरा पॉइंट है। नॉर्थ पोल की चिंता छोड़ो, अपने शहर की चिंता करो। अपने शहर की भी चिंता छोड़ो, अपने इस हाल की चिंता करो जहां हम बैठे हैं। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, सांस तक नहीं लिया जा रहा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। कौन है यहाँ का ऑर्गेनाइजर जी? आप एसी नहीं चला सकते? एसी चालू है सर। एसी चालू है, तुम भी क्या कर सकते हो? शक्तिमान, बहुत अच्छे। अब देखना यह है कि अगर इसी समय कहीं दूसरी जगह शक्तिमान की जरूरत हो तो क्या होगा। सुना है शक्तिमान को बच्चों से बहुत प्यार है।
घोड़े की दुम पे जो मारा है दौड़ा 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 दुम पे दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा है दौड़ा 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 दुम पे दौड़ा लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा दौड़ा चौक में तनाई घोड़े जी की हाई ने अचानक जो बनाई दौड़ा 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 दुम पकड़ के दौड़ा लकड़ी पे काटी काटी पे घोड़ा घोड़े की दुम शक्तिमान बुला रहा है चले नीचे। शक्तिमान हमारी बस तो सीसॉ की तरह झूल रही थी ये सीधे कैसे हो गई? खुद ही देख लो। शक्तिमान चलो ना बेटा नीचे जाएंगे चलो शक्तिमान बुला रहा है चले नीचे। शक्तिमान वो देखो शक्तिमान खड़ा है। चलो बेटे चलो अच्छी गुड़िया है। शक्तिमान के दोस्त होते हैं वो डरते नहीं।
गुड, वेरी गुड प्रोग्रेस। आपको अपना मटेरियल मिल गया डॉक्टर? हाँ। कब करेंगे हमला? हफ्ते भर में मैं शक्तिमान पर रिसर्च करके उसकी कमजोरी का पता लगा लूंगी। पहले शक्तिमान का सफाया हो जाए, फिर तमराज किलविश के बढ़ते हुए साम्राज्य को कोई नहीं रोक सकता। मेरी स्कीम में 2 ज़ॉम्बी कम है, मुझे 2 लाशें और चाहिए। मिल जाएगी, कल ही मैं डॉक्टर कुधर से बात करता हूँ, कल परसों तक लाश मिल जाएगी। इतना आसान नहीं है। उनके पास रोज 20 मरीज आते हैं, उनमें से तंदुरुस्त आदमी भेज दिए जाएंगे। हर आदमी को ज़ॉम्बी नहीं बनाया जा सकता। कुछ खास बात देखनी पड़ती है आदमी में? हाँ, ये देखो, हमारा शरीर सेल्स का बना है और ये सेल्स एटम्स से बने हैं, और ये एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर न्यूक्लियस में बंद हैं, ये इलेक्ट्रॉन तेजी से ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं। मतलब? यूं समझो, यही बिजली है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चले जाएं, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। हम सबकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन कुछ लोगों के इलेक्ट्रॉन दूसरों के एटम में जाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसका मतलब उनकी बॉडी में ज़्यादा करंट है, वही बॉडी हमारे काम की है, और 100 में से 1 आदमी ऐसा होता है। लेकिन डॉक्टर कोधर ये कैसे जान पाते हैं? उनके पास एक ऐसी मशीन है जो बॉडी का करंट फ्लो नापती है। 2 इलेक्ट्रोड लगाकर, एक हाथ पर, दूसरा कनपटी पर, थोड़ा सा करंट तो सबकी बॉडी में होता है। अगर उस मशीन की सुई लाल निशान को छू ले, तो मतलब उस आदमी के शरीर में उतना करंट है जितना हमें चाहिए। अरे हेमल, क्या हुआ? की हुआ बाबा? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ हेमल, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ तुझे? लो चल चल, पियो चल। अब बताओ, भूत 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 भूत? हाँ, भूत कहाँ? गांव में, कस्बे में। कस्बे में? तुम गांव होकर आए हो ना? हाँ। क्या हुआ वहाँ पर? किसकी फोटो? चाची की फोटो? चाची की फोटो तुम कैसे खींच सकते हो? इसमें स्लाइड्स है, अंदर देखें। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, रिलैक्स। बाकू की चाची की बॉडी गायब हो गई थी 7-8 दिन पहले। तूफान आया था, ध्यान है? हाँ ध्यान है। हाँ बिल्कुल। बॉडी फिर मिली नहीं, खाई में गिर गई होगी, पहाड़ियों में तो ऐसा अक्सर होता है। लेकिन फिर चाचा ने उन्हें मार्केट में जाते हुए देखा। वहम भी हो सकता है? नहीं, न वो लाश असली थी, न वो तूफान नेचुरल था, न वो वहम वहम था। मतलब? मैं अभी दिखाता हूँ सर, लाइट्स ऑफ, प्रोजेक्टर ऑन। ये देखिए सर, जैसा आपने कहा, मैं उस कस्बे में पूछताछ कर रहा था, मुझे एक बच्चे के मौत की खबर मिली, मैं उसके घर गया। अर्थी में भी मैं उसके साथ गया, मौसम बिल्कुल साफ था, अचानक तूफान आ गया, बिजली कड़की और सब लोग भागे, लेकिन मैं तस्वीरें लेता रहा। जैसे ही तूफान शांत हुआ, पता चला कि बच्चे की लाश गायब थी। परेशान थे, लेकिन मेरे कैमरे ने एक ऐसे आदमी को देखा जो मुस्कुरा रहा था। वो पलट कर जाने लगा, मैंने उसे आवाज दी, वो पलटा, लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसकी शक्ल बदल चुकी थी, वो शैतान बन चुका था, एक शैतानी चेहरा। Thank you.
स्ट्रेंज वो बाबा ये तो पता नहीं अरे ईसा बाबा इस तरह इट्स अनबिलीवेबल इन अ वे चाची 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 रिलैक्स बाकी तुम ठीक हो ना This is a serious matter. इसकी पूरी छानबीन करनी होगी गीता तुम वहां जाओ और छानबीन करो Yes, sir. गीता के साथ कौन जाएगा इनके साथ हम जाएंगे I like the spirit. तो यही है वो कस्बा जहां पर लाशें गायब हो रही हैं। गंगाधर क्या तुम्हें डर नहीं लगता हमको लाश है अकल से तो हो अलबत्ता चलते फिरते हो इसलिए फिलहाल कोई डर नहीं क्या ख्याल है बांकू की चाची के घर चले या यूं ही लोगों से पूछताछ करें गंगाधर मैं तुमसे पूछ रही हूँ जवाब दो गंगाधर हमारे ख्याल से यहाँ की रबड़ी और जलेबियाँ बहुत फेमस हैं वहाँ से शुरुआत करें हाउ इरिटेटिंग खा पी के मोटे हो रहे हो गेट इन द कार खाने भी नहीं देती सुबह से नाश्ता भी नहीं किया चलिए जब हम तय हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा सुनिए क्या है मुझे आपसे कुछ पूछना है क्या मैं बस आपकी सिर्फ दो मिनट लूंगी यहाँ पर जो अर्थियों से शव गायब हो रहे हैं उस पर हम दोनों रिपोर्ट बना रहे हैं मैं हूँ गीता विश्वास और ये गंगाधर हाँ पंडित गंगाधर हम दोनों पत्रकार हैं क्या आप हमें कुछ बता सकती हैं नमस्ते लगता है बात नहीं करना चाहती थी देवी जी आपने हमें बात करने का मौका दिया होता फिर देखिए वो कैसे बात करती कटर पटर कटर पटर कटर पटर क्यों तुम में कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं जो तुमसे बात करती वो क्या है देवी जी वो क्या है हम हमारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है हम वो क्या है हम हैंडसम हैं वो क्या कहती है ना वो लेडी किलर तुमसे किसने कहा जग्गू हलवाई ने ओह कम ऑन डांटती रहती अरे देवी जी हमें वो जग्गू हलवाई ने सचमुच कहा था चुप रहो सबकी बात मान लेते हो तुम हम कहां मानते हैं सर क्या आप थोड़ा वक्त दे सकते हैं पहले ये बताइए आप लोग है कौन हम बताते हैं हम हैं हम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री हम और ये है गीता विश्वास आज की आवाज से हम लोग यहाँ पर आए हैं आज की आवाज हाँ। अरे वो तो मैं रोज पढ़ता हूँ अरे तो फिर पूछे 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 तो आप हमें ये बताइए किस कस्बे में जो लाशें गायब हो रही हैं उसके बारे में लोग इतना डरते क्यों हैं कुछ बताते क्यों नहीं
लोग इतना डरते क्यों हैं? कुछ बताते क्यों नहीं? लोग इतना डरते क्यों हैं? कुछ बताते क्यों नहीं? सुनिए, अजीब से लोग हैं। कमाल है, यहाँ की हवा में कोई गूंगापन और बहरापन तो नहीं है। देखिए देवी जी, ऐसा करते हैं, हम पाखे के चाचे के घर चलते हैं पहले। हाँ, और उसके बाद हम उस बच्चे के घर जाएंगे जिसका शव गायब हुआ। हाँ, चलिए चलिए, इससे पहले कि कहीं हम ना गायब हो जाएं, चलिए चलिए, पहले चाचे के घर चलते हैं, फिर बच्चे के घर चलते हैं। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। उसकी मौत के कुछ दिन बाद जब मैंने तुम्हारी चाची को बाजार में देखा, मेरी तो नींद ही उड़ गई। आपको पूरा यकीन है? यकीन? मैं तो ऐसा अभागा बाप हूँ जिसके हाथों में उसके बेटे ने दम तोड़ा, और आप पूछ रहे हैं कि मुझे यकीन है कि वो मर चुका था? कोई मर चुका है ये बताने के लिए बहुत बड़ी डिग्रियों की जरूरत तो नहीं पड़ती। मैं अनपढ़ सही, लेकिन जिंदा और मुर्दा आदमी में फर्क तो जानता हूँ, और फिर डॉक्टर साहब ने तो खुद देखा था। डॉक्टर के देखने से क्या होता है, वो भगवान थोड़े ही है। कौन से डॉक्टर है वो? डॉक्टर कोधर। बहुत भले हैं डॉक्टर कोधर, मुझसे पैसे भी नहीं लिए। मेरा बच्चा गुजर गया, उन्होंने बिल भी नहीं भेजा दवाइयों का। किस बीमारी का इलाज कर रहे थे डॉक्टर कोधर? मामूली खांसी बुखार था, मगर भगवान की करनी, मौसम बदलता है तो बुखार तो हो ही जाता है, इसीलिए गए थे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब का बड़प्पन देखी, मुफ्त इलाज किया, उसके बाद मुझ जैसे गरीब के घर खुद आए सुई लगाने। ऐसा डॉक्टर मिलना मुश्किल है। अपनी क्लिनिक छोड़कर मेरे बेटे को इंजेक्शन लगाने आए थे मेरे घर, सेवा भावी है। लेकिन उस सुई के बाद वो बची नहीं, पर वो इंजेक्शन शायद रिएक्ट कर गया। देवी जी, क्या है? हमें काले में कुछ दाल दिखाई दे रही है। स्टुपिड, दाल में काला? ठीक है, दाल में कुछ काला, बचपन की कहावत है, भूल गया था, मगर मिलना पड़ेगा। किससे? डॉक्टर कोधर से मिलना पड़ेगा। क्यों, अच्छे खासे तो हो, तुम्हें क्या हुआ है? खांसी जुकाम हो गया। ओके ओके, ओवर एक्टिंग मत करो। खांसी जुकाम हुआ या टीबी हुआ है? वो टीबी और खांसी के बीच की बात, चलो चलना पड़ेगा। क्या हुआ? बुखार जैसा लगता है। नर्स दिखा। खांसी होती है? हाँ। तू सिगरेट बहुत पीता है? हाँ। ज्यादा सिगरेट मत पिया कर। हाँ, नहीं पीऊंगा। मुखोल मुखोल, खोल मुंह, पूरा पूरा मुखोल। क्या करता है, जबान बाहर निकाल, जबान बाहर निकाल। इतनी जबाने तेरे मुंह में, मुंह खोल, जबान पूरी बाहर निकाल। सिगरेट बहुत पीता है ना? बीड़ी बहुत पीता है? इसी वजह से खांसी है तेरे को, इसी वजह से बुखार है तेरे को, समझा? लेट जा वहां पर, चल जल्दी जल्दी लेट जा। अब लंबी सांस ले, लंबी और लंबी। मुखोल मुखोल मुखोल, रुक, तू दो मिनट यहीं पे रुक, मैं भी आया। डॉक्टर साहब, ये बुखार के लिए कौन सी दवाई लेकर आए? अबे चुप, डॉक्टर तू है या मैं हूं? काश तेरी बॉडी में इतना करंट हो जितना मुझे चाहिए, बस
ये इसी लाल निशान को छू ले और समझ तू ज़ॉम्बी बन गया। अबे तू आदमी है केंचुआ है? चल भाग भाग यहां से भाग चल उतर अरे, अरे, चल भाई चल यहां से भाग भाग पागल है पागल पागल है सिर दर्द हो रहा है सिर दर्द हो रहा है पेट में सिर दर्द हो रहा है तेरे उतर रहा है सर दर्द नीचे उतर रहा है ज्यादा नीचे उतरने से पहले वहां लेट जा वहां लेट जा सर उस तरफ अबे तू आदमी खरगोश हां अब लंबी सांस ले हां अरे इतनी लंबी नहीं थोड़ी धीरे जल्दी करिए मर गया रे दर्द हो रहा है अभी दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है कम हो जाएगा जल्दी करिए जल्दी करिए तो सब है ये क्या है हाथ नीचे हाथ लगा रहे हैं ये क्या अभी दर्द कम हो जाएगा अत्यंत आधुनिक मशीन जान पड़ती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ठीक हो जाऊंगा ना तू आदमी है ये जनरेटर लगता है तू हमारे काम का आदमी है काम के किस काम के मैं तुझे दवा दे दूंगा बता तू रहता कहां है बाहर से आए हैं होटल में रहते अच्छा बाहर से आए हो मुझे होटल का पता लिखवा दे हाँ लिख लीजिए मैं तुझे दवा दूंगा दवा हाँ तुझे ठीक कर दूंगा मैं हाँ लिख लीजिए देवी जी होटल का पता लिखा दीजिए इन्हें गंगाधर उठो हेलो गंगाधर उठो अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद उठो उठते हो कि नहीं गंगाधर शुभ प्रभात देवी जी तुम नीचे क्या कर रहे थे आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो मच्छरों ने सुना तो गड़बड़ हो जाएगी तुम नीचे क्या कर रहे थे हाँ हम आपको ये बतलाते हैं कि हम नीचे क्या कर रहे थे वह ये देवी जी रात को जब हम यहाँ सोने के लिए आए तो सोने लगे तो भला वो मच्छरों ने हम पर आक्रमण कर दिया कुछ देर तो हम युद्ध करते रहे परंतु बाद में हम हार गए सचमुच हार गए यहाँ के मच्छर तो कमाल के हैं हम भागे 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 नीचे पहुंचे हमने मालिक से कहा हमें मच्छरदानी दो उस भले मानस ने हमको मच्छरदानी लाकर दी मच्छरदानी को लगाया और हम सो गए परंतु पता नहीं यहाँ के मच्छर बहुत पहुंचे हुए हैं इसके अंदर भी घुस गए और हम पर हमला करते रहे फिर हमने कहा बहुत हो गया गंगाधर लगा अपना फेमस दिमाग हमने पता है क्या किया क्या आप देखेंगे तो चकित रह जाएंगे ये देखिए हमने तकिए को रखकर उस पर चादर बिछाकर चुपके से इस मच्छरदानी को लगाकर घुस गए नीचे और रात भर मच्छरों की बहुत सोचती रही कि गंगाधर इस मच्छरदानी में सोया हुआ है और गंगाधर नीचे रात भर सोता रहा चैन की नींद कर राटे मारता हुआ कैसा रहा हमारा आइडिया वाह ब्रिलियंट हाँ परंतु एक मच्छर तो हमसे भी ज्यादा ब्रिलियंट निकला अच्छा हाँ वो नीचे घुस गया
और काट दिया हमें। परंतु देवी जी आप खड़ी क्यों, बैठी ना बैठी ना, बैठिए बैठिए। केले खाएंगे आप? नो थैंक्स। हाँ देवी जी, हम आपसे ये पूछना चाहते थे, हमें एक बात समझ में नहीं आई, वो नमकदानी, नमक उसमें रहता है तो उसे नमकदानी कहते हैं, साबुनदानी में साबुन रहता है तो उसे साबुनदानी कहते हैं, हाँ। फूलदानी में फूल रहता है तो उसे फूलदानी कहते हैं, हाँ। तो मच्छरदानी में तो आदमी सोता है तो उसे आदमीदानी क्यों नहीं कहते, मच्छरदानी क्यों कहते हैं? वाह, कितनी गहरी बात कह दी आपने, कितनी दूर की सोची है ना। अब कुछ काम की बात करें। काम 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 करने आए थे हम यहाँ पर। हाँ हाँ काम करने आए थे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए क्या करना है। अब आगे का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम प्रोग्राम, वाह क्या सुहावना मौसम है। हाँ क्या हवा चल रही है। हाँ हवा में क्या भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। हाँ बाबा। तो क्यों ना हम मछली पकड़े। What? मछली नहीं, मेरा मतलब है कि डॉक्टर कोधर को कहने फंसाएं जाल में। That's a better idea. परंतु एक अड़चन है। क्या? हमें जोर की भूख लगी है। Oh no, not again. हेलो 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 डॉक्टर मछली, मेरा मतलब है कि डॉक्टर कोधर। कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं हम। हाँ कौन बोल रहा है? अरे हम जो कल आए थे आपकी क्लिनिक में। क्या हुआ था आपको? सरदर्द सरदर्द। जनरेटर? हाँ जनरेटर जनरेटर। बोलो क्या हुआ? डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ हो रही है, हमारी भूख मर गई है डॉक्टर साहब। क्या हुआ? हमें भूख नहीं लगती, सुबह 8 बजे उठने के बाद सोने की बहुत कोशिश की तो नींद भी नहीं आई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे आपकी क्लिनिक में। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, मैं खुद वहां चलाऊंगा। आप क्यों आने की तकलीफ करेंगे, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन इस वक्त वो तुम्हारे होटल के कमरे में तुम्हारी बहन है क्या? हाँ किसकी बहन? बहन बहन नहीं नहीं सॉरी, शायद आपकी आपकी बीवी। बीवी कहाँ है हमारी, कहाँ है बीवी? मतलब वो बहुत जल्द वापस आने वाली है क्या? नहीं नहीं, कहाँ आने वाली है, जल्दी नहीं आने वाली। ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ वहां पर। इंजेक्शन देना। तुम्हें कैसे मालूम? वो डॉक्टर साहब वो क्या है कि हर डॉक्टर के पास एक ही तो रामबाण होता है, कोई भी मर्ज हो तो इंजेक्शन लगा दो, मरीज बोलता हुई आ जाइए आ जाइए, आप आ जाइए आ जाइए, यू आर वेलकम, जल्दी आइएगा जरा। हाँ मैं आ रहा हूं। जल्दी आइएगा, भूख नहीं लग रही। शक्तिमान तुम कौन हो? शक्तिमान इंटरेस्टिंग, आई वॉज राइट।
देवी जी ऐसा करिए, अब आप जाइए, उस मछली के अर्थात डॉक्टर कोधर के आने का समय हो गया है, अब जाइए। गंगाधर मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? हमारे लिए इतनी चिंता? शट अप ओके। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया। मैं जा रही हूं, खुद ही निपट लेना डॉक्टर से। आप ऐसा करें देवी जी, आप हमारे इर्द गिर्द करीब करीब रहिए, जैसे ही वो डॉक्टर कोधर जाएगा ना, आप आ जाइएगा हमें देखने। गेट लॉस्ट। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। त्यों त्यों त्यों। हेलो। जनरेटर। जनरेटर। गंगू। खरगोश। गंगाधर। जनरेटर। उठो 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 उठो, उठ के बैठो, उठ के बैठो। हाँ आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ बैठो, बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ देखो, अब मैं तुम्हारा बुखार चेक करूंगा। बुखार? हाँ, ये थर्मामीटर है। हाँ अब अपनी बाजू खोलो। बाजू? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये 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 बाजू खोलो। शाबाश। कुछ होगा तो नहीं? नहीं कुछ नहीं होगा। कमीज तो नहीं फटेगी? अब बाजू बंद करो। ऐसे नहीं ऐसे नहीं। चुप चुप। हाँ श्याना है, बहुत श्याना। अब जरा बाजू खोलना, बाजू खोलना। गुड बॉय। अब तुम्हें तुम्हें इंजेक्शन देने की बहुत जरूरत है। हाँ बहुत जरूरत है। देखो मैं तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ। हाँ इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे मत छोड़ना। हाँ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ अब क्या है कि सुई चुप गई, ये सुई चुप गई। इसे निकालो, इसे निकालो, इसे निकालो। बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। इसे निकालो, इसे निकालो। तुम्हें तो रोज चांटे मारने चाहिए, रोज चांटे मारने चाहिए, समझे क्या? लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। मैं तुम्हें इंजेक्शन दे रहा हूं, इंजेक्शन दे रहा हूं तुम्हें। वही जो उस बच्चे को दिया था। देखो तुम जो भी कोई हो, हमारे बहुत ही काम के आदमी हो, समझे? अब ये मचलना बंद करो और आराम से लेट जाओ। हाँ अलविदा, अलविदा। अब दोबारा मुलाकात कभी नहीं होगी, कभी नहीं, समझे? Thank you.
इस दुनिया में इतने सीरियस लोग हैं सर, तभी तो ये दुनिया ऐसी। आजकल तो यहां कोई हंसता ही नहीं, न खुद पर न दूसरों पर, और दूसरों को भी हंसता हुआ नहीं देख सकता, न किसी बात पर न अपने आप पर। अब देखिए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। सीरियस होने में कुछ नहीं रखा सर, सच पूछिए तो उम्र में भी कुछ नहीं रखा। हंसते रहेंगे तो दिल भी जमा रहेगा। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है।
राम नाम सत्य है 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 सर वो मुर्दा हाथ उठा रहा है लात मार रहा है। ठीक से बोलो और ये हकलाना बंद करो। मैं डर गया सर। ये लालू और करीना तो मुर्दा बना दूंगा। मुर्दा? मुर्दा क्या? मुर्दा हरकत कर रहा है, हाथ उठा रहा है, लात मार रहा है, खाना खाता है, अखबार पढ़ता है और पागल हो गया है। ये मुर्दा पागल हो गया है, ये मुर्दा पागल हो गया है। हाँ, सच में। तो हमें रेडीमेड ज़ॉम्बी मिल गई है। Shut up, let's find out.
सुन सर सुन, मुर्दा ने हाथ उठाया था, लात मारी थी, मुर्दा यही था। कहाँ है मुर्दा? मुर्दा यही था। क्या किया तूने मुर्दे का? मैंने सर कुछ भी नहीं किया। कहाँ है वो? उसने हाथ उठाया, उसने लात मारी मुझे। क्या किया तूने मुर्दे का? मैं तुझे उसकी जगह पे लिटा देता हूँ। नहीं सर, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। डॉक्टर, वहां से मुर्दा गायब हो गया।